हाय एवरीवन, प्लासेंटा डेवलपमेंट के प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर इम्प्लांट होता है और आफ्टर इम्प्लांटेशन उसी एंडोमेट्रियल लाइनिंग को क्या कहा जाता है, डेसिडुआ। क्योंकि डेसिडुआ यानी चाइल्ड बर्थ के साथ में ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या हो जाती है, शेड हो जाती है। नाउ इस पार्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से प्लासेंटा को फॉर्म करने के लिए जो विलाइज होती है, स्टेम विलाइज, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी विलाइज, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है और प्लासेंटा को फीटस से जोड़ने के लिए जो कॉर्ड होता है यानी अम्बिलिकल कॉर्ड, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे यूट्रस को, जहाँ पे कि प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि नॉर्मली जो इम्प्लांटेशन है वो कहाँ होता है, इट मे बी ऑन एंटीरियर वॉल और इट मे बी ऑन पोस्टीरियर वॉल, लेकिन मेजरली कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर वॉल पे, और वो भी कहाँ पे, सुपीरियर एस्पेक्ट पे, नियर दी फंडस। सो यहाँ पे है पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस और दिस इज द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। लेयर्स के बारे में हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। सबसे आउटर मोस्ट लाइनिंग क्या होती है, पेरिमेट्रियम। वंस अगेन रिकॉल दी लेयर्स, पेरिमेट्रियम, फिर होती है मायोमेट्रियम, दैट इज मेड अप ऑफ मसल्स, एंड फिर होती है एंडोमेट्रियम, जिसमें क्या होती है, अगेन टू लेयर, वन इज बेसल लेयर जो कि थिन लेयर है और ये इम्प्लांटेशन में रोल प्ले नहीं करती हैं। एंड उसके बाद जो कि टू इम्पॉर्टेंट लेयर्स होती हैं यहाँ पे एंडोमेट्रियल की फंक्शनल लेयर, वन इज कॉम्पैक्ट लेयर और दूसरी है स्पॉन्जी लेयर। सो यूजुअली जो इम्प्लांटेशन है वो कहाँ पे होता है, एंडोमेट्रियल की कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी लेयर के अंदर। प्रीवियसली हम देख चुके हैं कि किस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट, हियर इट इज द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट किस तरीके से एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। और यहाँ पे है ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लाइनिंग, जिसे बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और ये ट्रोफोब्लास्ट भी दो में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट इनर वन, जो कि मोनोन्यूक्लेटेड होती है, और आउटर वन कहलाती है जो कि मल्टी न्यूक्लेटेड होती है, सेंसियोट्रोफोब्लास्ट, दिस इज द सेंसियोट्रोफोब्लास्टिक लेयर। नाउ क्या होता है कि जब सेंसियोट्रोफोब्लास्टिक लेयर एक्सपैंड होने लगती है, दीज आर द मल्टी न्यूक्लेटेड सेल्स, जब ये एक्सपैंड होती है तो क्या होता है, इनके बीच में स्पेसेस डेवलप होने लगता है और ये स्पेसेस क्या कहलाते हैं, लैक्यूनेस। और लेटर ऑन ये स्पेसेस मर्ज होके क्या बनाते हैं, लैक्यूनर नेटवर्क, दीज आर द लैक्यूनर नेटवर्क्स। और उसी के साथ में इन सेंसियोट्रोफोब्लास्टिक सेल के अंदर क्या डेवलप होने लगता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, क्या डेवलप होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। सो दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ सेंसियोट्रोफोब्लास्टिक लेयर। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और लैक्यूने सिर्फ इस एम्ब्रियोनिक पोल पे ही डेवलप नहीं होते हैं, वेरिजन ये ऑल टुगेदर पूरे ब्लास्टोसिस्ट के अराउंड होते हैं, लेकिन मेजरली इसका जो डेवलपमेंट होता है ये इसी एम्ब्रियोनिक पोल की तरफ होता है, इसलिए मैं इसको यहीं पे ड्रॉ करूँगी, रिमेनिंग इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं करूँगी अभी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दीज आर द लैक्यूनेस, दैट इज द स्पेसेस, और ये स्पेसेस क्या बना रहे हैं, लैक्यूनर नेटवर्क, और इनके इन बिटवीन क्या डेवलप हो रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और इन्हें
जो कि सिंचरोब्लास्टिक लेयर से मिलकर बनी हुई हैं, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और जब इस तरीके से अरेंजमेंट होता है लैक्यूनेस और सिंचरोब्लास्टिक लेयर का कॉर्ड लाइक अरेंजमेंट, तो इन्हें क्या कहते हैं, ट्रैबेक्यूले, यानी जब ये फिंगर लाइक सिंचरोब्लास्टिक लेयर्स इन स्पेसेस से सराउंडेड रहती हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रैबेक्यूले। और इसी के साथ में एंडोमेट्रियल लाइनिंग में प्रेजेंट मेटर्नल कैपिलरीज, मेटर्नल साइनोसॉइड्स, ये भी फाइनली किसके जरिए पेनिट्रेट कर ली जाती हैं, इन स्पेसेस के जरिए। और फाइनली ये जो स्पेसेस हैं ये कंप्लीटली किससे फिलअप हो जाती हैं, मैटरनल ब्लड से। सो हियर आई एम ड्रॉइंग इन रेड, सो दिस इज द मैटरनल ब्लड जो कि कहाँ पे फिलअप हो रहा है, इन दीज लैक्यूनेस, इन लैक्यूनेस के अंदर फाइनली क्या हो रहा है, कलेक्ट। यही लैक्यूने आगे चल के क्या फॉर्म करती हैं, दीज लैक्यूनेस फॉर्म इंटरविलस स्पेस, विलाइज के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं इंटरविलस, इंटर मीन्स इन बिटवीन टू, सो विलाइज के बीच के स्पेस को कहते हैं इंटरविलस स्पेस, जो कि इन लैक्यूनेस से बनता है। और उन इंटरविलस स्पेसेस के अंदर लेटर ऑन क्या कलेक्ट हो जाएगा, मैटरनल ब्लड। सो कुछ इंटरविलस स्पेसेस के अंदर मैं यहाँ पे ड्रेन करूँगी मैटरनल ब्लड को, सो यू विल बी एबल टू सी क्लियरली। सो दिस इज हाउ यहाँ पे क्या होने लगता है, मैटरनल ब्लड फाइनली इन लैक्यूनेस के अंदर क्या होने लगता है, कलेक्ट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट, सेकेंड वीक में इसी के साथ में जो यहाँ पे एम्ब्रियोब्लास्ट था ये दो में डिफ्रेंशिएट होता है, बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। और जब बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बनती हैं तो ये अगेन ब्लास्टोसिस्ट को इंटरनली कवर करती हैं और यहाँ पे दो कैविटीज को फॉर्म करती हैं। ये जो कैविटी ये बनाती है एम्नियोटिक कैविटी, और यहाँ पे फॉर्म होता है प्राइमरी यॉर्क सैक, और इन्हीं यॉर्क सैक से लेटर ऑन क्या होने लगता है, ड्यूरिंग सेकेंड वीक ये रिलीज करने लगते हैं फ्यू टाइप ऑफ सेल्स, और ये सेल्स फाइनली इस होल एम्ब्रियोब्लास्ट को चारों तरफ से क्या कर लेता है, कवर। सो ये जो सेल्स बन रही हैं जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में हैं और यॉर्क सैक से डिराइव होती हैं, जो कि ऑल टुगेदर पूरे एम्ब्रियोब्लास्ट को कवर कर लेती हैं, ये क्या बनाती हैं, ये फॉर्म करती हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। सो यॉर्क सैक से डिराइव होती हैं और कंप्लीटली एम्ब्रियोब्लास्ट को सारे ही डायरेक्शन से कवर कर लेती हैं ये टाइप की कनेक्टिव टिश्यूज, और लेटर ऑन फाइनली इनमें क्या होने लगता है, ये सेल्स के बीच में स्लोली एक कैविटी डेवलप होने लगती हैं, और जब कैविटी डेवलप होती है इन्हीं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के बीच में, तो कुछ सेल्स जो होती हैं ये पेरिफेरली अरेंज हो जाती हैं और इस साइटोट्रोब्लास्ट को इनर साइड से कवर करती हैं, और कुछ सेल जो होती है इस एम्ब्रियोब्लास्ट को सराउंड करती हैं। सो देयर इज अ कैविटी, यहाँ पे कैविटी डेवलप हो जाती है इन दोनों लाइनिंग्स के बीच में,
और ये जो कैविटी होती है इसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, सीलोम मीन्स द कैविटी, जो कि यहाँ पे इन्हीं मेसोडर्म के फाइनली डिफरेंशिएट होने के कारण बनती हैं। जब ये पेरिफेरी में और कुछ एम्ब्रियोब्लास्ट के अराउंड बन जाती हैं तो मीडियली जो सेल्स होती हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और फाइनली कैविटी बना देती है, जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। लेकिन कुछ मेसोडर्मल सेल्स यहाँ से स्टिल इस कॉडल पार्ट ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट से क्या रहती है? अटैच। यहाँ से ये हटती नहीं है। और ये जो मेसोडर्मल सेल्स होती हैं जो कि इस कॉडल पार्ट से अटैच होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? दैट इज कनेक्टिंग स्टॉक या फिर बॉडी स्टॉक। और यही कनेक्टिंग स्टॉक आगे चल के किसका फॉर्मेशन करता है? अम्बिलिकल कॉर्ड का। नाउ अराउंड डे 13 क्या होने लगता है कि ये जो ब्लैक कलर की है दैट इज साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, ये इन सिंसियोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स के अंदर क्या करने लगती हैं? एंटर करने लगती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है सिंसियोट्रोफोब्लास्टिक सेल के ब्लू कलर में, और इसके अंदर ब्लैक कलर की साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स क्या करने लगती है? एंटर। तो जब इस तरीके से ये विलाइज इनके अंदर एंटर करती हैं तो ये प्राइमरी टाइप ऑफ विलस का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। सो यहाँ पे इन्हें क्या कहेंगे? प्राइमरी विलाई। सो प्राइमरी विलाई क्या है? ऑन डे 13 ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो कि होल ब्लास्टोसिस को कवर करती हैं, इनमें से कुछ इन सिंसियोट्रोफोब्लास्टिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर क्या करने लगती है? माइग्रेट। इस तरीके से फाइनली कवर करती हैं ओनली साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, तब ये क्या कहलाती है? प्राइमरी विलाई। और उसके बाद में ऑन डे प्राइमरी विलाई फॉर्म हो रही है ऑन डे 13, और बाय द डे 16 डे पे क्या होने लगता है कि ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म्स हैं ये भी फाइनली क्या करने लगती हैं? ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल कुछ सेल्स फाइनली माइग्रेट करती हैं इन दीज विलाइज। सो ये क्या कर रही है? इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर क्या कर रही है? एंटर। सो जब मेसोडर्मल सेल्स यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल इन विलाइज के अंदर जब माइग्रेट करती हैं बाय द डे 16, ये क्या फॉर्म करती हैं? सेकेंडरी विलाई। और इन्हीं मेसोडर्मल सेल्स से कुछ सेल्स फाइनली डिफरेंशिएट हो जाती हैं और इन विलाइज के अंदर ब्लड वेसल्स को फॉर्म करने लगती हैं, और विलाइज के अंदर कैपिलरी नेटवर्क को स्टार्ट करने लगती हैं। दीज आर दी ब्लड वेसल्स। और जब इन विलाइज के अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है बनना बाय डे 21, तो यही विलाइज क्या कहलाती है? नाउ कॉल्ड टर्शरी विलाई। तो जब टर्शरी विलाई का फॉर्मेशन होता है तो उसी वक्त पे क्या होता है कि ये जो सिंसियोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं जो कि इनर लाइनिंग यानी साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर से कवर है, तो कुछ साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल इन सिंसियोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स को क्या करने लगते हैं? पेनिट्रेट। कुछ क्या करते हैं? पेनिट्रेट। और फाइनली इन सिंसियोट्रोफोब्लास्टिक सेल के क्या करने लगते हैं? ट्रांसवर्सली अरेंज होने लगते हैं। इन सिंसियोट्रोफोब्लास्टिक सेल के ट्रांसवर्सली अरेंज होने लगते हैं इस तरीके से। तो जब कुछ साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स इस सिंसियोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स को क्या कर देते हैं? पेनिट्रेट और ट्रांसवर्सली रन करके कंप्लीटली सिंसियोट्रोफोब्लास्टिक लेयर को कवर करने लगते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से कंप्लीटली क्या कर रहे हैं? कवर। तो जब ये इस तरीके से कवरिंग फॉर्म करने लगते हैं तो यहाँ पे इन्हें कहा जाता है साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। क्या कहते हैं? साइटो
ट्रोफोब्लास्टिक शेल, क्या बनाते हैं? शेल नुमा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, कवर। और कुछ इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ सेल्स तो पेनिट्रेट कर जाती हैं, तो वो क्या बनाती है आगे चल के, एंकरिंग विलाई, क्योंकि फाइनली ये मदर की डेसिडुआ से फाइनली क्या रहती है, अटैच्ड। और कुछ साइटोट्रोब्लास्टिक सेल्स जो कि इन सिंशोट्रोब्लास्टिक सेल्स को पेनिट्रेट नहीं करती है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, कुछ जो इनको पेनिट्रेट नहीं करती है, दे आर फ्लोटिंग, और जो पेनिट्रेट नहीं करती है उन्हें बोलते हैं न्यूट्रिटिव विलाई। मेजॉरिटी जो होती है वो कौन सी होती है, न्यूट्रिटिव, कुछ जो होती है वो कौन सी होती है, एंकरिंग विलाइज। तो इस तरीके से ये साइटोट्रोब्लास्टिक शेल किसको फेस करता है यहाँ पे, मदर की डेसिडुअल लाइनिंग को फेस करता है यहाँ पे, जो कि कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी लेयर से मिलके बनी हुई है। और ये मदर की जो एंडोमेट्रियल यानी डेसिडुअल लाइनिंग है, यहाँ पे ये क्या कहलाती है, दैट इज बेसल प्लेट। सो जो प्लासेंटा का दो प्लेट होती हैं, एक है बेसल प्लेट और एक है कोरोनिक प्लेट। तो बेसल प्लेट जो होती है वो कौन सी लाइनिंग होती है, मदर की डेसिडुआ बेसालिस, और ये बेसल लेयर है जो कि बेसल प्लेट को फॉर्म करती हैं। और दूसरी कहलाती है कोरोनिक प्लेट, और कोरोनिक प्लेट में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, देन द लेयर ऑफ, दिस इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एंड देन कम्स द लेयर ऑफ, सॉरी, द लेयर ऑफ साइटोट्रोब्लास्ट एंड द लेयर ऑफ सिंशोट्रोफोब्लास्ट। सो द थ्री लेयर्स यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, साइटोट्रोब्लास्ट और सिंशोट्रोब्लास्ट, ये सारे मिलके क्या फॉर्म करती हैं, दैट इज द कोरोनिक प्लेट। और इस कोरोनिक प्लेट, यहाँ पे है कोरोनिक प्लेट और ये है बेसल प्लेट, और इन दोनों प्लेट के बीच में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, जो कि लेटर ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी विलाई का फॉर्मेशन करते हैं, और यही विलस और यही प्लेट मिलके किसका फॉर्मेशन करती हैं, प्लासेंटा का फॉर्मेशन करती हैं। बेसिक डिफरेंस यही है कि लेटर ऑन जो कि यहाँ पे आपको सिंगल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, ये आगे चलकर क्या कर लेते हैं, अपने आप को मोर ब्रांचिंग लाइक दिस, कि अगर यहाँ पे सिंशोट्रोब्लास्टिक लेयर्स हैं इन अ ब्रांचिंग मैनर, तो क्या होगा, इसकी इनर लाइनिंग में है साइटोट्रोब्लास्ट एंड इसके इनर में प्रेजेंट होगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू, और उसके इनर एस्पेक्ट के अंदर प्रेजेंट होगी, दैट इज फीटल कैपिलरीज, दीज आर द फीटल कैपिलरीज। सो इस तरीके से लेटर ऑन ये विलाइज क्या फॉर्म कर लेती हैं, ब्रांचिंग नेटवर्क। सो प्राइमरी विलाई यानी ओनली साइटोट्रोब्लास्टिक लेयर क्या होती है, सिंशोट्रोब्लास्टिक लेयर के इनर एस्पेक्ट पे कवर करती है। सेकेंडरी विलाई यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल लाइनिंग्स क्या कर जाती हैं, इसके अंदर एंटर कर जाती हैं। और टर्शरी विलाई यानी यही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल लाइनिंग्स जब ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट हो जाती हैं और विलस कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म कर देती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, टर्शरी विलाई। लेटर ऑन इसी एम्ब्रियोब्लास्ट के ग्रोथ के साथ में फाइनली ये जो एम्नियोटिक कैविटी है ये और ज़्यादा ग्रो करने लगती हैं, इस तरीके से। और यही इनर लाइनिंग आगे चल के किसका फॉर्मेशन करती हैं, फीटल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एम्नियन। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो कोरोनिक विलाइज फॉर्म हो रही है, ये ना केवल एम्ब्रियोनिक पोल पे डेवलप होती है, वेरजन इस एब एम्ब्रियोनिक पोल पे भी बनने लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियो और फीटस का ग्रोथ होने लगता है, उसी के साथ में ये कैप्सुलरिस एरिया की और ग्रो करने वाली जो कोरोनिक विलाइज है वो एट्रोफिड हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। और जब ऐसा हो जाता है तो फाइनली यहाँ पे प्रेजेंट लेयर्स यानी मेसोडर्मल लेयर, दिस होल दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, साइटोट्रोब्लास्ट और सिंशोट्रोब्लास्ट, ये सारे फ्यूज होके फाइनली क्या बनाती है, कोरियोनिक
लीव, क्योंकि इन्हीं से किसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, विलाइज का। और जब वो एट्रोफिड हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, तो एक फ्लैट मेम्ब्रेन के फॉर्म में ये चेंज हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, कोरोनिक लीव। यानी यही वो आउटर फीटल मेम्ब्रेन होती है जिस जो कि किसका फॉर्मेशन करती है, कोरियोन का। तो दो फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं, वन इज कोरियोन जो कि इस कोरियोन लीव से मिलकर बना होता है, यानी एट्रोफिड कोरोनिक विलाई जो कि इस कैप्सुलरिस साइड में होती हैं, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और इनर वाली जो होती है जो कि फीटस को एनसर्कल करती हैं, वो कहलाती है एमनियॉन। सो टू मेम्ब्रेन्स, कोरियोन एंड एमनियॉन। और ये कोरियोनिक लीव यहीं पे एंड अप हो जाती है इस तरीके से। सो प्लासेंटा मार्जिन के एज तक ही कोरोनिक लीव्स क्या हो जाती है, एंड अप। और इस तरीके से ये डिस्कॉइड शेप प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है, इन बिटवीन कोरोनिक प्लेट और बेसल प्लेट। और इनमें जो ये नेटवर्क रहता है विलाई सिस्टम का, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी विलाई, जो कि फॉर्म होती हैं बाय दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। लेटर ऑन क्या होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ये फाइनली यहाँ पे भी एक कैविटी फॉर्म कर लेती हैं। और यहाँ पे जो विलस कैपिलरी नेटवर्क हैं जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक हैं, ये फाइनली इंट्रा एम्ब्रियोनिक विलस के साथ में क्या हो जाता है, कनेक्ट। और उसी के साथ में इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर आर्टरीज और वेन्स, यानी टू आर्टरीज और वन वेन का क्या होने लगता है, फॉर्मेशन। तो इस फिगर में हमने देखा कि किस तरीके से प्लासेंटा का जो मेजर पार्ट है वो फीटस से ओरिजिनेट होता है, यानी ये सारी विलाई सिस्टम। और इन पार्ट को जो कि कोरोनिक प्लेट से लेके बेसल प्लेट तक फैली हुई रहती है, इस होल पार्ट को क्या बोलते हैं, कोरियोन फ्रंडोसम, कोरियोन फ्रंडोसम। और रिमेनिंग कुछ पार्ट प्लासेंटा का जो कि मदर से ओरिजिनेट होता है, वो कौन सा पार्ट होता है, दैट इज डेसिडुआ बेसालिस, ये वाला पार्ट। और दूसरा द ब्लड विद इन दिस इंटरविलर स्पेस। सो ये विलाइज के बीच का स्पेस है जो कि इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के बीच में है, और इसमें जो ब्लड होता है वो मदर से ओरिजिनेट होता है। सो मैटरनल पोर्शन है डेसिडुआ बेसालिस, दैट इज द बेसल प्लेट, और ब्लड इन दिस इंटरविलर स्पेस। सो इस तरीके से प्लासेंटा का फॉर्मेशन फीटस और मदर दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन से होता है, लेकिन मेजरली जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो कौन होता है, फीटस। तो यहाँ पे इस पार्ट के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है, और अम्ब्रैकल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है, और किस तरीके से फीटल मेम्ब्रेन आउटर कोरियोन और इनर एमनियॉन का फॉर्मेशन होता है। और ये वो स्ट्रक्चरल यूनिट हैं प्लासेंटा, जो कि मदर और फीटस के बीच में न्यूट्रिएंट और वेस्ट को क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं। थैंक यू।